नमस्कार दोस्तों, RCN जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो संक्षिप्त में विस्तृत रूप से देने का प्रयास किया जाता है। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की फर्स्ट ग्रेड भर्ती अर्थात स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 स्थगित होगी या नहीं कि अपने निर्धारित समय पर होगी, सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर संग्राम मचा हुआ है। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के कानों तक बात पहुंच गई है और मुख्यमंत्री ने क्या कहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आज एक बात स्पष्ट कर दूंगा कि भर्ती परीक्षा स्थगित होगी या नहीं, होगी तो किस प्रकार से अभ्यर्थियों को काम करना पड़ेगा कि भर्ती परीक्षा स्थगित हो जाए। तो आप सभी हमारे साथ बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार को अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिले। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सुबह मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और अधिकारियों के सामने अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष रखा। अभ्यर्थियों की मांगों पर पुनर्विचार का आश्वासन मिला। दूसरी ओर परीक्षा कराने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। तो सबसे बड़ा सवाल है, अगर मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन मिला है कि पुनर्विचार किया जाएगा परीक्षा के संबंध में, तो परीक्षा की तैयारी क्यों शुरू है? अगर अभ्यर्थी इसी तरह लगे रहे तो आप मानकर चलिए कि परीक्षा 101% स्थगित हो जाएगी। अगर आश्वासन मिला और आप बैठ गए तो परीक्षा किसी भी कीमत पर स्थगित नहीं होगी। यह आप लोगों का दम है जिसके कारण मुख्यमंत्री के कानों तक बातें पहुंची हैं और मुख्यमंत्री ने इस पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है। तो आप सभी लगे रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी और परीक्षा 101% स्थगित होगी। आगे जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।